अमृता के घर चलते हैं, उसको समझाते हैं, उसके माँ बाप से भी बात करते हैं, उनको भी समझाते हैं। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम वो लड़का को पंचायत ले जाकर सजा तो दिलवा सकते हैं ना हम। ये तो बड़का मामला लगता है और नीम की सबसे छुपा रही है। हेलो निमकी, ये नेटवर्क भी ना। क्या बात कर रहा था तू निमकी से? हैं? चाचा वो हम फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। मारेंगे लपट। सच से बता। इधर आ। चुपचाप यहां से कल पटना निकलो। तुमने नाम का प्रेम बाबू के होटल में बुकिंग करा दी है, कल के डेट से बुकिंग है, वहीं जाके रहो और तब तक बताना जब तक हम बुलाए। देखो कौन है। कौन है? हाँ वो बदनसीब के बाप हैं हम। देखिए कुछ नहीं किए हम, ये सब फालतू का इल्जाम है हम पर। हम लड़ने नहीं आए हैं कुंदन सिंह जी, गलती हो गया आपके मतलब हमारे बच्चों से गलती हो गया, हमारी बेटी के बारे में सोची। अरे क्या होगा उसका, कौन करेगा उससे शादी? एक मिनट, अब शादी वादी का बात मत कीजिएगा, शादी नहीं करा सकते हम। एक काम करो, अपनी बेटी को पढ़ाओ, यहां से कहीं बाहर भेज दो, खर्चा उर्चा का चिंता मत करो, सब हम संभाल लेंगे। हम गारंटी लेते हैं हमारा बेटा तुम्हारे बेटी के आसपास भी नहीं फटकेगा। तुम ये घटना को भूल जाओ और हम भी इसको अपने सीने में दबा के रखेंगे। हमरी रिचा वो तो गुमसुम सदमा में है, एक अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया, उसको हम का समझाएंगे? देखो सूरजभान, तुमको हम जानते हैं इसलिए तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हारा जगह कोई और होता ना कि करतनवा पकड़ के बाहर फेंकवा देते। तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा यह होगा कि यहां से बाहर भेज दो, अरे कुछ साल में भूल भुला जाएगी सब बात। देख कर रहे हो, चलो निकलो यहां से, बात खत्म। देखिए हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, हम ना हमरा ना आपका बदनामी चाहते हैं, वो तो बस। ए, माथा खराब है तुम्हारा? अरे कौन है बात का बदनामी रे? तुम्हारी बेटी बाहर जा और तुम यहां पहुंच जाओगे हमारे बेटे पे इल्जाम लगाने के लिए? निकलो चलो। अरे बोले ना जाने के लिए, अरे तुम्हारा बेटी से तो हम आज तक मिले ही नहीं और तुम को इल्जाम लगा रहे हो हम पे, चलो निकलो यहां से। और एक बात सूरजभान, खबरदार जब बात आगे बढ़ाए तो, आज तो तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारे नजर में गिरी है, अगर बात फैला ना तो पूरे गांव जवार के नजर में गिर जाएगी। उसके बाद क्या होगा तुम्हारे पगड़ी का सोचो। देखिए हम तो चलो चलो, अरे चलो निकलो यहां से। डरो मत, बोल दो। ससुर जी कुछ अच्छा ही सोचेंगे ना। देखो वैसे हम तुम्हारा कोनो बात किसी को बताते नहीं है, हाँ मगर ये तो मामला दूसरे का ना है।
कौन सा बात छुपा रही हो तुम हम सबसे? तूने हमको घर छोड़ रहा था गाड़ी में, अब कैसी है वो? पूना, वो हमको भी देख के ना जोर जोर से चिल्लाने लगी, को लगा कि हम भी उसका। बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर उसके घर पर ले गए थे हम। लेकिन वो लड़की अकेले जंगल में कर का रही थी, जरूरत का था इसे पुर पुर उड़ने का। वो कहाँ हुआ ना मदरिना, कि नदी के किनारे जंगल में उसको गाना गाने का मन किया, इसीलिए चली गई वो। अरे ट्यूशन से लौट रही थी वो बेचारी। हाँ तो घर के कोनो मरद को साथ में ना ले जाना चाहिए था। सासुर जी कह तो सही रहे हैं। हाँ मतलब है आपका? नहीं दीदी, बात तो एकदम सही है। ऐसे जवान लड़की को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, जमाना बहुत ही खराब है। अरे बाहर गई थी तो साथ में लेकर जाना चाहिए था ना किसी को। काहे पापा, इसमें वो लड़की का क्या गलती था? अरे वो तो अपने परीक्षा का तैयारी के लिए गई थी ना ट्यूशन, जैसे हम और मोनू जाते हैं रोज। और कभी कभी तो मोनू हमारे साथ नहीं होता है, तब हम भी तो जाते हैं ना अकेले। का मतलब बाबूजी? लड़की लोग बाहर नहीं जा सकते हैं घूमने, लेकिन लड़का लोग कुत्ता की तरह बाहर घूमे तो वो ठीक है। ए! कुत्ता किसको बोली है रे? अपना ना जरा जबान संभाल के रखो, फालतू तरीका से बात मत करना हमसे। आपकी भी तो बहन है ना, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ए, बाबा बात करे जा रही है? हम लोग दीदी को अकेले कहीं जाने देते हैं? वो दिन तुम्हारे चक्कर में चली गई दीदी। नहीं तो का अगर हमरे साथ ऐसा हो जाता तो तुम लोग हमसे यही पूछते कि अकेले काहे गई थी, काहे उड़ रही थी फुर फुर। हाँ अम्मा, बताइए, भरे दिन में भी लड़की अगर बाहर ना जा सके तो क्या करेगी बेचारी लड़की? बाबूजी, जब आप विधायक बन जाएंगे ना तो सबसे पहले यही चीज पर काम कराइएगा। हाँ जब तुमसे सीखना होगा हमको। अरे मुंह बंद रखो अपना। बस यही लिए हम अपना भाई को अपना साथ सब जगह लेके जाते थे। कहा पता हमरे साथ ऐसा कुछ हो जाता, हमरे माई बाप तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहते जी। माँ बाप मुंह दिखाने तब लायक नहीं रहते हैं जब माँ बाप को अपनी बेटी का दर्द नहीं ना इज्जत का पड़ा रहता है। अपना खानदान का इज्जत बचाने के लिए सूरजभान सिंह अपना बेटी को हम लोग को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाने दिया, नहीं खुद ले गए, उल्टा वो हम लोग को पैसा दे रहा था चुप रहने के लिए। जैसे उसका अपना बेटी कोनो गलती की हो। अच्छा सब लोग सुन लिए, हो गया पंचायत ना, चलिए हाथ पैर धुलिए, खाना लगवाते हैं। पार्वतीया, एक मिनट मदरिना, हम लोग को कुछ करना चाहिए। अरे क्या कर सकते हम? अभी तुम बोली ना कि उनका बाप ही कुछ नहीं करना चाहता है। हम पुलिस में तो कंप्लेन कर सकते हैं ना बाबूजी, और फिर या पंचायत में हम। अरे मुखिया जी, जब तक विक्टिम खुद कुछ ना करना चाहे केस हो ही नहीं सकता ना। फादर ला, आप उन लड़की का फादर से बात कीजिए ना। हाँ बाबूजी, आप कहेंगे तो शायद वो लोग मान जाए। ठीक है, आप लोग कुछ मत कीजिएगा,
अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे ना तो हम करेंगे। कुछ भी हो जाए उन लड़का को सजा हम दिलवा के रहेंगे। अरे मगर ये बात खुलेगा तो गांव में बात चलेगा और फिर तो वो लड़की का तो बदनामी हो जाएगा ना। चलने दो, चलने दो, चलने दो, ये बात पूरा गांव में चलने दो, ताकि उस कमीना लड़का को पूरा समाज के सामने में सजा मिले, ताकि उस जैसा कमीना बाकी सब लोग को सबक मिले। ए बेटा क्या हुआ है? ऐसा करते हैं अपना बीटू बाबू से जो है ना सलाह मशवरा कर लेते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ चाचा। देखो बेटा उस लड़की का तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए ना, हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। दामाद जी हम लोगों को ये मामला उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ हाँ अरे बिल्कुल सही, उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे, चाहे कहीं भी छुपा बैठा हो। बाबू बेटा ऐसा करो पता लगाओ कि सबके पीछे कौन था। तुम इत्मीनान रखो हम है ना। थैंक यू फादर इंडा, थैंक यू। अरे नहीं बेटा ये तो हमारा फर्ज है, मतलब हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो जाए और हम चुपचाप बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे। सब कुछ पापा, आप चिरागुआ के साथ हमरा शादी करवाना चाहते, जो आपकी बेटी की उसको अपना। हाँ तो क्या करे, कौन करेगा तुमसे शादी? अब मान लो कि कोई रिश्ता लग भी गया, भगवान न करे उस लड़का को कुछ पता चल जाए, क्या होगा फिर? इससे तो अच्छा ही होगा बेटा कि वो कुंदन सिंह का बेटा खुद ही तुमको अपना ले। यो तो नहीं हो रहा है, धक्का देके निकाल दिया आपको। सुनिए ना, हम भैया को बुलाए हैं, आप एक बार भैया के संगे जाकर वो कुंदन सिंह से बात कीजिए ना। वो नहीं मानेगा, धक्का देके निकाल दिया आपको और बोला जो करना है कर लो। कुंदन सिंह बहुत बड़का नेता है, हम उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा अपना ही बदनामी होगा। कितना मुश्किल से लोगों को घर से दूर रखे, सब लोग पूछ रहा है रिचा को कुछ हुआ है का, कब तक झूठ बोलते रहे? गांव छोड़कर चले जाएगा? हम भी यही सोच रहे हैं पद्मा, जमीन ये अपना घर ये सब छोड़ के कहां जाएंगे? यही जो है सो है। चुप कर, बहुत अच्छा किए जो आप मामला संभाल लिए, अगर वो निमकी ये सब अपने हाथ में ले लेती ना तो सब गड़बड़ा जाना। कांड तो बहुत फायदे का साबित होने वाला है हमरे लिए, बस उस लड़का को ढूंढना है और जल्दी, इससे पहले कि नहर सिंह को पता चल जाए, और अगर ये मुद्दा वो उठा दिया ना तो अपने हाथ में कुछ नहीं बचेगा। दामाद जी ये लड़की रिचा को प्राइज देकर ना आपने बहुत ही अच्छा किया। अरे वो फेमस हो ही गई है, आई कांड से फेमस हो जाएगी, ये भाई तो लग रहा है ना कि ऊपर वाला भी हमारे लिए सारा गोटी फिट कर रहा है। जो हो जाए घटना है, उसमें अपना कोई हाथ नहीं होता, मगर जो हम करते हैं वो कर्म है और वो हमेशा अपने फायदे के अनुसार होना चाहिए, काहे कि उसी में
सफलता का राज होता है। ठीक है भाई, पर अब आगे क्या करना है? करना का है? जाके लड़की के माँ बाप को आश्वासन देना है, फिर उस लड़के को धर दबोचना है। फिर क्या, मन करे तो बेचार लपड़ मार दीजिएगा पब्लिक के सामने, लड़की का फैमिली को थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा। देखते हैं। अरे वो बेटा ऐसा है, तुम चिंता मत करो, हम लोग जाहिर है। हाँ, वो झरिया को गाड़ी निकालने को बोले हैं ना। झरिया गाड़ी निकाल। आदरिना, हम सोच रहे थे कि आप वो लड़की का घर में बात करने जा रहे हैं, तो तब तक हम थाना चले जाते हैं ताकि पुलिस वाला लोग वो लड़का को पकड़ तो ले। ना, अरे सलह जी, थाने जाने का क्या जरूरत है? हम लोग अभी पहले एक बार लड़की से मिल लें, उसके घर जाके उसके पिताजी को समझाएंगे। ससुर जी का सूरज भांजी बहुत इज्जत करते हैं, शिष्य है इनके। ऐसा है, तुम आराम करो, चिंता करने की कोनो जरूरत ना है। हम है ना, जहाँ तक उस छोकरे का सवाल है, अरे उस छोकरा को अब भी शाम को नहीं तो कल तक हवालात के अंदर होगा, लिख के देते हैं हम। लिख के? हाँ भादरी ना, आप तो अंगूठा छाप है ना। चले सासू जी, आप कब से अखबार पढ़ने लगी? आपके लिए तो काल अक्सर भैंस बराबर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे डॉक्टरी इंजीनियर का पढ़ाई पढ़ के बैठी हो। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही पूछ लिए। कहा है ना कि अखबार पढ़ने का ना चीज है, टीवी थोड़े ही है कि देख लिए बस। सही बोल रही हैं भाभी, अखबार पढ़ने के लिए ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, टीवी तो कोई भी मंदबुद्धि देख लेता है। हमको सुना रही हो? नहीं अम्मा, तुमको काहे सुनाएंगे, और तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इमें तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारे बाप माँ का गलती है, पुरुष प्रधान समाज का गलती है। हमरे माँ बाप हमको नहीं पढ़ाए तो का हो गया, पढ़ लिख कर ऐसा का हो जाता है? तुम तो पढ़ी लिखी ना हो, तुम्हारी दुनिया में ऐसा का बदल गया है, बताओगी हमको? अम्मा, बदलाव नहीं आया, अगर ये तो समझ में आता है ना कि का गलत हो रहा है हमरे साथ, गुस्सा तो आता है ना हमको, वरना वही सब ऋचा का फोटो देख रही हो। देखे सासू जी जरा, हे मैया, ये तो सकले से ही सियानी लगती है। का मतलब? ठीक है तो बोल रही है, उसका चाल चलन देखो, देखो कैसे खड़ी है मंच पे। अरे अम्मा, वो मंच पे इनाम लेने खड़ी है, इसमें गलत का है? और बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा चित्र बनाई थी। माई बाप आए थे उसके साथ? पता नहीं, मैं शायद अकेली आई थी। वह तो अकेली ऐसे ही उड़ती फिरेगी तो लड़का लोग का नजर तो पड़बे करेगा। वही तो हम कह रहे हैं सासू जी, आजकल फैशन हो गया है अकेली घूमती है लड़की लोग, ऐसा लिपस्टिक लगा लगा के। और आजकल तो गांव में भी लड़कियां जीन्स स्कर्ट पता नहीं का पहन के घूम रही। तो लड़की जीन्स पहन ले तो खराब हो जाती है का? सही कहते हैं लोग, औरत का असल दुश्मन औरत ही है। का मतलब है? मतलब ही अम्मा कि औरत ना तो दूसरा औरत का इज्जत करना जानती है, ना ही खुद का इज्जत करवाना जानती है।